बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आप लोग होंगे ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करूँ कि हम सब पर अल्लाह पाक का फजल करम यूँ ही बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बवक्त मिलती रहे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को शेयर करूं, रहीम यार खान के इलाके में आज हम आए हुए हैं विज़िट के लिए और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर से मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं, जिनका नाम मैं थोड़ी देर बाद आपको अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। मैं अभी उनके घर के बाहर खड़ा हूँ, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा उनका घर, और मैं उनके घर के इस वक्त बाहर हूँ। तो चलते हैं, मैं आप लोगों को मिलवाता भी हूँ और उनसे गपशप भी करते हैं। अभी चलते हैं अंदर और भाई से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का शुक्र। ये हैं जी हमारे भाई, बहुत ही फेमस यूट्यूबर जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में बहुत ज़्यादा तरक्की की है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आने के बाद। तो इनसे सवाल जवाब भी होंगे, गपशप भी होंगे, बाकी भाइयों से भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? अल्लाह पाक का करम है जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी हैं असलम भाई, इनका नाम है, और इनका भाई का नाम मैं बाद में आपको अनाउंस भी करता हूँ और इनसे काफ़ी भरपूर गपशप भी करवाता हूँ आपकी। और इनका नाम है, अनाउंसमेंट कर देता हूँ, असलम खान नाम है, जो कि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं। और इनका भी चैनल का लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनका भी विज़िट कर लीजिए। फिदाब भाई जिनको आप शायद पहले भी जानते हैं, मेरी वीडियोस में देख चुके हैं। और अब बारी आती है मेन हमारे हीरो की। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब सपोर्ट, ये सब फेमस होना या कुछ भी, ये सब आप बहन भाइयों की, सब देखने वालों की वजह से है, क्योंकि आप वीडियोस देखते हैं तो हम फेमस होते हैं। अगर आप वीडियोस हमारी नहीं देखेंगे तो हमें कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता। तो ये सब अल्लाह पाक की तरफ से भी होता है। अल्लाह पाक जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। तो माशाल्लाह ये भाई आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं मुजफ्फरगढ़ से, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, ज़िला मुजफ्फरगढ़ से आए हैं, जो कि मेरे ख्याल से अगर बंदा कार पे भी आए ना तो 5 से 6 घंटे का सफ़र है। तो ये सब इनकी मोहब्बत है, हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, तो इनका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं भी, क्योंकि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हात हमें बख्शे। ताबेदार, ताबेदार। बहुत मेहरबानी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, यूट्यूब के वर्क के अलावा भी हम बहुत इनका काम वगैरह है वो भी करते हैं और यूट्यूब को भी वक्त देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज कल ट्रेंड में चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं ये भी। और इनका तारफ़ भी मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनका चैनल भी विज़िट कर लीजिएगा। और आप बैठें, पानी पिएं, फिर खाना भी इंशाल्लाह रेडी करवाते हैं और भाई को खाना भी खिलाते हैं। थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है ना, इंशाल्लाह आपसे अभी बात तक करेंगे। मैंने भाई का नाम अनाउंसमेंट नहीं किया, आप लोगों को नहीं बताया, तो ये खुद ही अपने मुँह से बताएँगे कि इनका नाम क्या। पहले खाना खाएँगे, बाद में बताएँगे कि हम कौन हैं। ठीक है जी, ठीक हो गया। हाँ, ताकि बहन भाई जो है वो छोड़ के ना जाए हमें। हाँ जी, वीडियो पूरी हमारे साथ बने रहेंगे और नाम भी बताएंगे और बाकी गपशप भी करते हैं और सवाल जवाब भी करते हैं कि इतने कम अरसे में इतना ज़्यादा फेमस कैसे हुए हैं ये भाई, इनसे ट्रिक भी पूछते हैं। और हमारे साथ बने रहिए, बने रहिए। असलम भाई, अभी चैनल पर वीडियो अपलोड करके फारिग हुए हैं तो मैंने कहा इनसे भी गपशप हो जाए। असलम भाई सुनाए, कैसा जा रहा है आपका चैनल? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप भी कम अरसे में हम बहुत ज़्यादा फेमस हुए, कोई ट्रिक हमें भी बता दें यार? ट्रिक बस मेहनत ही है, मेहनत करते रहें तो बहन भाइयों का साथ जो है। आप ये सोचा करें कि अगर आपको ना 100 बंदा भी देख रहा है ना, अच्छा, तो आप ये समझे कि मुझे 100 बंदा देख रहा है, ठीक हो गया। ये ना कहें यार मुझे कम लोग देख रहे हैं, ये उनकी मोहब्बत नहीं है। अगर मैंने शुरू से ना यही काम रखा था कि भाई अगर मुझे पहले ना, पहले 100 भी पूरा बात नहीं आता था, यानी 100 लोग नहीं देखते थे, ठीक हो गया। तो मैंने कभी नहीं कहा यार मेरे व्यू कम आ रहे हैं या क्या हो रहा है कुछ है, बिल्कुल बस मेहनत करते रहे। क्योंकि अगर फिर उसके बाद 100, जब 100 आया ना, मैंने कहा यार 100 बंदे ने मुझे देखा है, 100 बंदा मुझे जानता है,
उसके बाद 1000, उसके बाद 5000, उसके बाद 10-20 तक पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे जैसे बढ़ते गए और जो है ना दिल में अजीब सा महसूस होता है कि यार 1000 भी बंदा यार देखे ना किसी को, आपको आप भाई हैं हमारे, इतने दूर से आए हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने बहन भाइयों से जो हमें हमें जानने वाले हैं जी, तो वो भाई की भी फुल सपोर्ट करें। तो ये एक चीज़ है कि अगर 100 बंदा भी इनको देखेगा, इनको पर कमेंट करेगा, लाइक करेगा, तो इनको फ़ख्र होगा कि मुझे भी 100 बंदे ने देखा है जी। तो ये सब आप लोगों की दुआएं हैं और अल्लाह पाक का साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा जा रहा है बिल्कुल अच्छा जा रहा है। बहुत मेहरबानी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कभी देखने वालों को ना हमने नाराज़ किया है और कभी आपने नाराज़ नहीं करना जी बिल्कुल। चाहे जो मर्जी कहें, जो आपके देखने वाले जिस तरह के कहें, आप उसी तरह का टॉपिक रखें जी बिल्कुल ज़रूर। आपकी बात तो मैंने, वो कहते हैं ना सराकी में पल्ले बांध लेना, वो पल्ले बांध लिया मैंने इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मैं इनको भी नाराज़ नहीं करूँगा और इंशाल्लाह ये जैसा कहेंगे वैसा कंटेंट अपलोड। ओके इस भाई से मिलवाते हैं, आप लोग इन्हें जानते ही होंगे, इनका नाम है नंबरदार। तो ये हमारे नंबरदार भाई हैं। क्या हाल चाल नंबरदार भाई? ठीक। आपके व्लॉग माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, कैसा जा रहा है आपका चैनल? ठीक जा रहा है। ज़बरदस्त जा रहा है। हाँ ठीक हो गया माशाल्लाह। और ये नंबरदार भाई हैं हमारे और असलम भाई के छोटे बेटे जो के बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं यूट्यूब पे। क्या नाम है भाई आपका? इस्लामुद्दीन। इस्लामुद्दीन, स्कूल जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दूसरी क्लास में पढ़ते हो? हाँ। अच्छा अलिफ बे सुनाओ। शाबाश शाबाश। ए बी सी भी आती है? ए बी सी सुनाओ। ABCN। शाबाश शाबाश। 1 2 3 भी आता है? सुनाओ। 1 2 3। शाबाश जबरदस्त। जरूर छोटे से बच्चे की आप लोगों ने बात माननी है। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस्लामुद्दीन ने क्या कहा है। भाई खाना लेके आ गए, मैं नाम बताने लगा था लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं बता सकता, भाई की इजाज़त नहीं है, वो खुद ही बताएंगे। तो अभी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर आप लोगों से गपशप हुई होती है और भाई से भी। पहले पेट पूजा बाद में काम लूजा। बिल्कुल पहले जो है ना आप खाना खाएं जी, इंशाल्लाह उसके बाद फिर आपको बताएंगे जी। बिल्कुल ठीक है। तो ये खाना आप दिखा सकते हैं, ये जी रोटी है और ये रहा सालन, आप नज़दीक करके दिखाएं। तो ये जी देख लें खाना और ये जी रोटी। तो आप बैठें, खाना तसल्ली से खाएं, उसके बाद वीडियो। थैंक यू सो मच, आपका बड़ा बन है, आपका प्यार है जी। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है और भाई जो है ना बर्तन उठाने के लिए आए हुए। और ये देखें छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना बच्चा बेबो। बेबो क्या हाल है पाकिस्तान? अच्छा हाय बोल दो अब। हाय बोल दो। मोबाइल हाथ हाय बोल दो। आप हाय बोल दो। हाय बोल दो। बोल दो। वो देखो वो इशफाक खड़ा है, बेबो खड़ा है, वो देख उसको हाय बोल। अभी ना ये आपको देख के ना शर्मा रहा है। और असलम भाई और ये भाई और मैं अभी जो है ना खाना खाने के बाद भाई फ्रूट लेके आए तो वो फ्रूट हम खा रहे थे। तो अभी भाई बर्तन। हाँ जी और खाना है तो बता दें। नहीं पहले भी आपने इतना खिला दिया है वो संभाला नहीं जाता। तो जी इंशाल्लाह खाना खा चुके हैं, इसके बाद आएगी इंशाल्लाह चाय पीने के बाद इंशाल्लाह आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। भाई खाना खिला के गए तो अभी फिर बोतल भी पिलाई, फौरन बिल चाय लेके आ गया भाई। आज खिला के मारने है क्या? कुछ नहीं, फिर आपने कौन सा रोज आना है? पता नहीं कितनी किस्मत से आए हैं, कितने सालों के बाद आए हैं हमारे पास। तो साफ जाहिर है हमारे पास जो भी हस्बे तौफीक है हम तो करेंगे ना। अच्छा देखें गाइस, मैं छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। बहुत यूट्यूबर मैंने ऐसे देखे हैं जिनको थोड़ा सा भी फेम मिल जाता है ना तो वो उनमें अकड़ आ जाता है, वो एक अब खुद को कुछ और ही समझते हैं। लेकिन जब मिला हूँ भाई के पास, आया हूँ भाई से मिला हूँ, तो इनका सिस्टम ये वहीं पे मतलब जो हैं वो ही शो करते हैं। ये नहीं कहते कि ये मैं फ़लाँ हूँ, इतना फेमस हो चुका हूँ। इतना फेमस होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सादा और खुश इखलाक है, मेन चीज़ ये है। जज़ाकअल्लाह, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो सब इंसान जो हैं बराबर हैं, कोई फेमस है कुछ भी है,
तो सबको एक दूसरे की कदर करनी चाहिए और सपोर्ट करनी चाहिए। तो लें जी चाय तैयार है, आप भी पिए और हम भी पीते हैं। अभी वक्त आ चुका है नाम रिवील करने का हमारे हीरो का, तो इनसे हम पूछते हैं और गपशप भी करते हैं। जी तो प्यारे बहन भाइयों, शायद जो आपको देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, पहले तो आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हमारे चैनल का नाम है सबा अहमद व्लॉग्स। तो ये हमारे चैनल का नाम है, मेरा नाम अहमद है और मेरी वाइफ का नाम जो है वो सबा है। तो हमने चैनल जो है वो एक साथ बनाया हुआ है, हमारा फैमिली चैनल है सबा अहमद व्लॉग्स। तो इंशाल्लाह आपने ज़रूर चेक करना है, विज़िट करना है इंशाल्लाह। तो इस भाई को भी आपने ज़रूर सपोर्ट करनी है और चैनल को सब्सक्राइब भी आपने ज़रूर करना है जी। और चैनल का नाम तो बता दिया भाई ने, अभी अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम अहमद दीन है जी। अहमद दीन है, अहमद दीन है और अहमद भाई बुलाते हैं, अहमद भाई बुलाते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आ रहे हैं हम घर वापस। हाँ जी, भाई तो कह रहे थे हमारे पास रहें, हमारे पास रहें, देखें एक दो घंटे के लिए आए हैं, तो बिल्कुल ना हमने इलाका दिखाया, ना शहर घूमे, ना हम खुद घूमे। कोई बात नहीं, आज तो हम जल्दी में थे, तो इंशाल्लाह आपने दोबारा ज़रूर आना है। दोबारा जब आएंगे इंशाल्लाह आपके पास रहेंगे भी और गपशप भी करेंगे। ये साथ सारे भाई खड़े हैं, तो इनकी गाड़ी भी देख ले रेडी है। जी बिल्कुल, गाड़ी भी रेडी है, खड़ी है, तो ये जा रहे हैं, अभी हम वापस जा रहे हैं। तो गाइस, रात को हम जो ना काफ़ी देर से आए, लाइट भी नहीं थी, तो इस वजह से इख्तितामी वीडियो हम नहीं बना पाए थे। तो जहाँ पर हम मिलने के लिए गए थे अहमद भाई को, असलम भाई को, वो यकीनन बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी भी हुई, दिली खुशी हुई उनसे मिलकर। वो यकीनन मसीहा किरदार इंसान है, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया उन्होंने, बहुत अच्छा बर्ताव किया, अखलाक, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ उनका बहुत अच्छा था। यकीनन वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट परवेज हुसैन को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह निगहबान।